Hello guys, my name is Mohsin Ahmed and I am the second year MBBS student at GMC Doda. So in this video, discuss करेंगे about various books जो कि first year MBBS में पढ़ी जाती हैं, जो कि मैंने पढ़ी हैं. तो आपको ये पता होगा कि MBBS first year में हमारे तीन main subjects होते हैं, वो anatomy, physiology and biochemistry हैं. तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र की हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा, और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. सो यहाँ तक बात है कि एनाटॉमी के लिए मैंने बीडी चौरसिया बुक इस्तेमाल. एनाटॉमी की जाए, एनाटॉमी हमारे पास डिवाइडेड है ग्रॉस एनाटॉमी में, जनरल एनाटॉमी में, एम्ब्रियोलॉजी में एंड हिस्टोलॉजी में. ग्रॉस और जनरल के लिए मैंने आई बी सिंह की बुक इस्तेमाल की है. दिस इज़ फॉर जनरल एनाटॉमी, छोटी है. एंड देर आर फोर वॉल्यूम्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी रिटन बाई बी डी चौरसिया. एंड फॉर एम्ब्रियोलॉजी आई यूज़ आई बी सिंह की बुक मैंने इस्तेमाल की एम्ब्रियोलॉजी के लिए. एंड दिस लाइक दिस वन एम्ब्रियोलॉजी, दिस इज रिटन बाई आई बी सर, ये मैंने एम्ब्रियोलॉजी के लिए इस्तेमाल की. एंड उसके अलावा हमारे पास हिस्टोलॉजी भी होती है. हिस्टोलॉजी के लिए मैंने एटलस बुक पढ़ी है. एटलस बुक. एंड ये सब हुआ एनाटॉमी. एनाटॉमी में हमारे पास एक मैनुअल भी आता है, जिसमें हमें जो है डायग्राम्स होती है, डिफरेंट डायग्राम जैसे बोन्स, मसल्स, अटैचमेंट और कंटेंट किसी पार्ट का, जैसे एब्डोमिनल कंटेंट क्या क्या है, उनकी जो है डायग्राम्स बनानी पड़ती है. दैट इज़ ट्रेसिंग आउट देयर डायग्राम्स. उसके लिए जो हमारे कॉलेज ने रिकमेंड की थी, वो लिखी है कक्कड़ ने, जिसे हम कक्कड़. वन इम्पॉर्टेंट थिंग नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट हियर कि एनाटॉमी में डाइसेक्शन का एक हिस्सा होता है, जिसके लिए कनिंगम जो कि वेल नोन बुक है उसका इस्तेमाल करते हैं. और कनिंगम ना हो तो डाइसेक्शन हॉल में एंट्री भी नहीं देते. तो कनिंगम की थ्री वॉल्यूम्स है मेरे पास अभी. वॉल्यूम फर्स्ट ही है, दिस इज़ वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ कनिंगम, यूज ड्यूरिंग डाइसेक्टिंग द कैडेवर. तो ये वहाँ पे लेनी पड़ती है डाइसेक्शन हॉल में. तो ये सब था एनाटॉमी के बारे में. फिजियोलॉजी के लिए जो बुक मैंने इस्तेमाल की है वो गाइटन हॉल है, और इसका लेटेस्ट एडिशन जो उस वक्त था, थर्ड साउथ एशियन एडिशन. दिस इज गाइटन एंड हॉल बुक फॉर फिजियोलॉजी, और ये बहुत ही अच्छी बुक है. और इट इज़ यूज फॉर रेफरेंस, और आगे भी ये इस्तेमाल होगी गाइटन एंड हॉल बुक. और बात की जाए फिजियोलॉजी में एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए जो मैंने बुक्स इस्तेमाल की हैं वो है सेम्बुलिंगम एंड प्रेप मैनुअल बाय जोशी. दिस इज द प्रिपरेटरी मैनुअल फॉर जोशी. दिस इज फिजियोलॉजी बुक. फिजियोलॉजी के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेटरी के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें क्वेश्चन बेस्ड जो है वो आंसर्स भी लिखे हुए होते हैं, अच्छा प्रिसाइज करके. और इसके अलावा जो है सेम्बुलिंगम, ये भी बहुत अच्छी बुक है. मैंने ज़्यादातर सेम्बुलिंगम और गाइटन पढ़ी है, और सेम्बुलिंगम पढ़ी है. सेम्बुलिंगम इज़ आल्सो ए बेटर चॉइस फॉर योर एग्जाम. से पहले स्टैंडर्ड बुक्स ही खरीदें, उनको ही रीड आउट करें, और जो ही एग्ज़ाम जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है जो ही नज़दीक आए, तो आप जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड बुक्स खरीद सकते हैं. ठीक है, ये जो एग्ज़ाम बेस्ड बुक हैं वो आप लास्ट पे खरीद लें. अगर बात की जाए फिजियोलॉजी में जो प्रैक्टिकल सेशन होता है, उसके लिए आप सीएल गाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सीएल गाई जो है, ये मैंने इस्तेमाल की थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है, और इसमें जो रेंजेस दी गई हैं डिफरेंट यूनिट्स में, वो मतलब वेल नोन है, और इसी की रेंजेस जो है वो मानी जाती हैं. ये आपकी फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल के लिए सीएल गाई बुक. तो जो फर्स्ट ईयर का थर्ड सब्जेक्ट जो है बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने जो बुक इस्तेमाल की फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, और किसी भी दूसरी बुक पे जंप नहीं किया मैंने, तो वो है सत्यनारायण बुक जो है, इट इज़ फॉर बायोकेमिस्ट्री. और इसके अलावा मैंने कोई भी बुक इस्तेमाल नहीं की बायोकेमिस्ट्री के लिए. इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, स्पेशली राजेश जम्बुलकर सर की, और वहीं से नोट्स भी बनाए बायोकेमिस्ट्री में, और वहाँ से मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी उन वीडियोस को देख के.
और सत्यनारायण बुक्स को भी पढ़ के मैंने बायोकेमिस्ट्री जो है वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक्स दैट आई रीड इन MBBS फर्स्ट ईयर। तो आप भी इन बुक्स को रीड कर सकते हैं और ये वेल नोन बुक्स हैं, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल मिलेंगी। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड होगी।